सर हम आर्या कोलेट्रल वेयर हाउसिंग बक्सर सासाराम के क्लस्टर इंचार्ज हैं। हमारे देख रेख में तमाम कंपनियों का भंडारण होता है, जिसमें खाद्यान्न संबंधित स्टोरेज हैं। हम लोग मार्केट में भाड़े पे गोदाम लेते हैं और अदर स्टॉकिस्ट कंपनियों को, जैसे अडानी हुआ, ITC हुआ, ऐसे ऐसे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका भंडारण हम लोग करते हैं। और भंडारण के समय में क्वांटिटी क्वालिटी का हम लोग मेंटेन करते हुए खरीद करते हैं और उसका एज पर स्टॉक हम लोग अपने क्लाइंट को प्लस अपने सीनियर रिपोर्टिंग अथॉरिटियों को हम लोग समय समय पे देते हैं। और इसी तरह से हमको जब डिस्पैच के टाइम पे क्लाइंट के द्वारा DO मिलता है और DO के साथ साथ अथॉरिटी लेटर मिलता है कि आप ये कमोडिटी इतना क्वांटिटी फला आदमी को आप ऑथराइज किया जा गया है, आप उनको दे सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग डिस्पैच करते हैं। इसी क्रम में ओरिगो कमोडिटी का स्टॉक था हमारे बक्सर स्थित गोदाम चौसा में दुर्गा राइस मिल में, आज पीछे टाइम से भी हम डिस्पैच करते रहे हैं और उस DO और अथॉरिटी लेटर के आधार पर हम डिस्पैच कर रहे थे। अचानक में कुछ लोग आए जिनको हम पहचान नहीं पाए थे और उनके साथ पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी था और हमारे एम्प्लाइयों को काफ़ी डराया गया, धमकाया गया और उस धमकाने के क्रम में हमारे जो भी सुपरवाइज़र थे काफ़ी घबरा गए और घबराहट में वो लोग कांपने लगे। कांपते कांपते उन लोगों को बैठा लिया गया और सारे ट्रक जो भी थे उसको जबरन रोक दिया गया और जो भी सुपरवाइज़र थे उन लोगों ने ये पूछा कि सर आप किस आदेश के क्रम में ऐसा कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि अगर तुम लोड करोगे माल यहाँ से जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत खतरे की बात होगी, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तुम फंस सकते हो, फंसाए जा सकते हो। ये हमको समझ में नहीं आया कि भविष्य में देखते हुए अगर आप ध्यान देंगे तो 10 साल पहले ये खाद्यान्न यहाँ गेहूँ धान औने पौने दामों पर बेचे जाते थे, आज इन कंपनियों का रिजल्ट है कि हमारे किसान हमारे व्यापारी सब खुशहाल हैं और सबको उचित मूल्य मिल रहा है। अगर यही स्थिति रही काम करने का तो हमको नहीं लगता है कि अच्छे स्वस्थ व्यापार और स्वस्थ व्यापारियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपने शिकायत की कहीं? जी, इसकी शिकायत के लिए हम बार बार मुफस्सिल थाना चौसा में संपर्क किया कि सर ऐसा न किया जाए ताकि ये कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं, अगर इनके क्रेडिट को धक्का लगेगा, सदमा लगेगा तो हम लोग इस बिहार में मजबूर होंगे काम को नहीं कर पाने में। जो भी एम्प्लाई हैं उनके अंदर दहशत बना हुआ है कि हम बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, हमको किसी भी तरह से बेइज्जत किया जा सकता है और इस तरह से काम करके हम लोग अपने समाज में किसी तरह से मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि ये जो भी बात होगी हम नहीं जानते हैं, आप कोई भी डिस्पैच नहीं करेंगे और जब भी करना होगा तो हम बताएंगे। अगर हमको पता का माल फंसा हुआ वहाँ पे सर अभी भी 1000 टन के ऊपर ही माल है। कितनी कीमत होगी उसकी आज के मार्केट भाव में? अभी तो पिछले कुछ दिनों पहले तक 3,3200 पर कुंतल के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो 30 करोड़ का होता है, सॉरी 3 करोड़ के ऊपर जाता है, बट आज के डेट में जो मार्केट भाव है उसके हिसाब से 2150-2200 के आसपास ही मार्केट है। अभी मार्केट में कुछ तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है या मंदी भी हो सकती है, इसलिए कि मंदी का ज़्यादा चांस है कि मार्च आ रहा है और स्पेशली सर कमोडिटी है, 1 साल उसकी वैलिडिटी होती है, इसके बाद अगर वो रह जाता है तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, ऐसे में वो कमोडिटी निश्चित रूप से नष्ट हो जाने के कगार पर जाएगी, उसका कोई वैल्यूएशन भविष्य में हो सकता है कि समाप्ति के कगार पे हो। इससे हमारे क्लाइंट के साथ साथ देश के संपत्ति आज के डेट में जो खाद्यान्न संकट पूरे विश्व पे है उस हिसाब से भी देखा जाए तो सर ये पूरे विश्व की क्षति होगी खाद्यान्न के मामले में। जी हम सत प्रकाश सिंह बोल रहे हैं, क्लस्टर इंचार्ज आर्या कोलेट्रल एजेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।